नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। समाजवादी पार्टी में दो फाड़, किसकी होगी पार्टी, अब इस पर जंग। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी रविवार को दो टुकड़ों में बढ़ गई। सुलह की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। रविवार को राम गोपाल यादव ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, जिसमें अखिलेश यादव सहित पार्टी ने तमाम बड़े नेता और हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिवेशन में नेता और कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह को हटाकर अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और मुलायम को पार्टी का संरक्षक घोषित किया। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव को सपा के प्रदेश अध्यक्ष से तत्काल हटाया गया और पार्टी महासचिव अमर सिंह को सपा से निष्कासित कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश ने अपने पहले आदेश में शिवपाल को हटाकर विधान परिषद सदस्य नरेश उत्तम पटेल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अपना कार्यभार भी फौरन ग्रहण किया। अधिवेशन के बाद अखिलेश समर्थक जबरन सपा कार्यालय में घुस गए और प्रदेश अध्यक्ष के कक्ष से बाहर लगी शिवपाल यादव की नेम प्लेट उखाड़कर फेंक दी। अब पार्टी के दफ्तर और अन्य संस्थानों पर अखिलेश यादव का गुट का कब्जा हो गया है। इस सारे घटनाक्रम से नाराज होकर मुलायम सिंह यादव ने आनंद फानन में सपा के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तमाम फैसलों को अवैध करार दिया गया। साथ ही उन्होंने अधिवेशन में शामिल राम गोपाल सहित उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और महासचिव नरेश अग्रवाल को पार्टी से निकाल दिया। अब मुलायम सिंह यादव अपने भाई शिवपाल और मित्र अमर सिंह के साथ दिल्ली जाकर चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर साइकिल चिन्ह पर अपना दावा करेंगे, जबकि अखिलेश गुट भी साइकिल पर अपना दावा करने के लिए चुनाव आयोग जा सकता है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन बुलाने राम गोपाल के फैसले को लेकर मुलायम सिंह यादव ने गत शुक्रवार को राम गोपाल तथा अखिलेश दोनों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन पार्टी नेता आजम खान द्वारा सुलह के प्रयास के बीच दोनों को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया गया था। लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। आने वाले दिनों में यदि प्रतिद्वंदी खेमो ने सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना दावा किया तो विधानसभा चुनाव से पहले उस पर रोक लगने की पूरी आशंका है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है और सपा के सियासी ड्रामे का ऊंट किस करवट बैठता है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्तांबुल नाइट क्लब हमले में 39 की मौत, 2 भारतीय शामिल। स्टेट बैंक ने ऋण पर ब्याज 0.9% घटाई। रोहतक रैली में अरविंद केजरीवाल पर जूता फेंका गया। नए साल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, 2 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। ब्रिटिश मंत्री ने जताया डर, ISIS बोल सकता है केमिकल हमला।